समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल ने अपने पैतृक निवास में मताधिकार का प्रयोग किया, आपने वोट डाल दिया? प्रोफेसर देखिए डाल दिया, सबसे पहले आप वोट डाल दिए, क्या जो तीसरे चरण में चुनाव हो रहा है अभी तक क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी जो आप लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई थी उसमें कुछ फेरबदल हो रही है? नहीं, कोई फेरबदल नहीं हो रही है। पहले दोनों चरणों में हम बहुत अच्छा किए हैं और ये चरण तो हमारा बहुत ही अच्छा है, उससे भी अच्छा है। तो पहले हम इसमें 55 सीटें जीते थे, अब की उम्मीद है 60 सीटें जीतेंगे। ये सबसे ज़्यादा टिपिकल नहीं लग रहा कि 69 में 69 में आप 55 सीटें जीते थे और दूसरी पार्टियां बहुत कम थी? आंधी उड़े चले जाएंगे, सब 60 जीतेंगे अब की इसमें। लोग कह रहे हैं कि कुछ अंतर विरोध है, तमाम जो सीटें हैं जो गढ़ है आपका उसमें आपके लोग कई लोग विरोध कर रहे हैं। कोई अंतर विरोध नहीं है, सब पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो सर इसके अलावा आपको क्या लग रहा है जो दूसरे तीसरे चौथे फेज में है, सबसे बड़ा चैलेंज पार्टी के सामने अभी क्या है? अब कोई चैलेंज नहीं, पहले दो फेज थे वही चैलेंज थे, उनमें हम भारी बहुमत से जीते हैं। अब सातवें फेज तक कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का के पीछे भी नहीं आ पाएंगे, बहुत मीलों दूर रह जाएंगे। मतलब ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से वोटों परसेंटेज आप पोल बढ़ रहे हैं, लोग अलग अलग ढंग से परिभाषित कर रहे हैं। बसपा कह रही है कि हमारा है, बीजेपी कह रही है कि मोदी के नाम पे आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गठबंधन कोर्ट में ला, कैसे नापते, कैसे कैसे माना जाए कि जो परसेंटेज आप पोल बढ़ रहा है वो आपका है? ऐसा है, आप गाँव में चले जाइए और किसी बच्चे को पूछिए, किसी महिला को पूछिए, सब सिर्फ अखिलेश को जानते और किसी को नहीं जानते। मतलब क्या आपको लगा कि जिस कल मुलायम सिंह यादव ने कहा कि रैलियां करेंगे, उनके बहुत सक्रिय होकर के हर मंडल में रैली करते थे, इस बार नहीं कर रहे हैं, कोई प्रभाव दिख रहा है? देखिए अखिलेश का इतना ज़बरदस्त क्रेज है कि नेताजी नहीं भी जा पा रहे हैं तब भी कोई कमी नहीं महसूस हो रही, लेकिन नेताजी अभी भी गए हैं कुछ जगहों पर, आगे भी जाएंगे। प्रोफेसर राम गोपाल जी का साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव का क्रेज है और उनको किसी तरह से कोई उनकी पार्टी को कोई चैलेंज नहीं है। समय के लिए इटावा से देवमेहरा के साथ अखिलेश मिश्र।